या हम कंस के मेहमान हैं, कपड़ों के लिए परेशान हैं, एक दिन के लिए राजाओं वाले वस्त्र हमें दे दो, तुम्हारा एहसान हो जाएगा, मेरा काम बन जाएगा। धोबी कहने लगा, ये नंद बाबा की जागीर नहीं है, मथुरा है, भोजराज कंस का शासन है। धोबी बिल्कुल नहीं दबा, और दबेऊ कौन होते हैं? धोबी के हाथ में शराब की बोतल, जब दबा कर दबरवाई थोड़ी होती है। धोबी पूरी गली में अकेलो ही धूमत चलो जाए, कहू जावर से बावर चलो जाए, कहू बावर से जावर चलो आए, ब्रेक लग जाए तो लग जाए ना, फिर लौट आए। और धोबी गली में गुनगुनाता हुआ चला के दारू उसके बाद आगे बढ़े हैं। आगे जिस समय भगवान कन्हैया बलराम बड़े हैं, तो कंस की दासी कुबेजा आ रही है। कुबेजा, ओ कैसी रे कुबेजा लला, हवाए समझ में जा आई, ब्रह्मा जी के पास जो कुछ बचो बचाओ तो बाकी बनाई थी। हां कुबेजा कैसी थी? सारे कुरूप को जोड़े जाड़े भाई ब्रह्मा जी ने सिरचा था, जो तीन जगह से टेढ़ी थी और नाम लली को कुबेजा था। कुबेजा, कुबेजा से कन्हैया बोले, कुबेजा हमारे तिलक कर दो। कुबेजा बोली, तुम तिलक करवा लो तो हमारा जीवन ही सुधर जाए। मनसुखा बोलो, देख ले, बोल अल्लाह ओए बाऊ से बात करने लगा तो ना, बोल अल्लाह ओए बाऊ से बोलने लगा तो, तू ही जा से तिलक करवाइये, हम सजा दूर रहे। कन्हैया के तिलक करने गई, मस्तक तक नहीं पहुंचे। श्याम सुंदर ने कुबेजा के पैर पे पैर रखा, थोड़ी से हाथ लगाया, तीन बार झटका मारा, चट्टा चट्टा कुबेजा सुंदर बन गई। और जब कुबेजा सुंदर बन गई, सबके तिलक कर दिया, मनसुखा के तिलक ना करो। कन्हैया बोले, कुबेजा अब तुम जाओ। सो मनसुखा बोलो, अच्छा वृंदावन छोड़ आए, लेकिन अब तूने अपनी आदत ना छोड़ी। क्या मतलब? सबके तिलक करवाए दो जो कहीं जाओ। अरे हमारे तिलक करवाए दे तो। कन्हैया बोले, अरे तू जगह तो जा से कहीं दूर रहे, हमारे पास ना है। मनसुखा बोलो, जतवा तम तब काते अब क्रो काता है, तिलक करवा। या ये कुबेजा ने
मनसुखा के भी तिलक किया। उसके बाद भगवान ने कुबजा को वहां से विदा किया है। आगे बढ़े हैं तो कंस का 18 तार बड़ा धनुष, कंस का धनुष भगवान ने उठाया। कंस का धनुष भगवान ने तोड़ डाला। कंस को जब खबर मिली है कि धनुष टूट गया, तो कंस ने पीलवान को आदेश दिया कि जो हाथी हमारे ससुर जरासंध ने दिया है, उस हाथी को द्वार पे खड़ा कर दो। कन्हैया बलराम आ जाए दोनों को, हमें खबर देने के लिए नहीं बैठे रहना, हाथी से दोनों को कुचलवा दो। और बंश यादव जी जो जरैला के रहने वाले हैं, बंश यादव जी की तरफ से नोटों का हार हमारे करीब आया है, 10-10 रुपए से समस्त साथियों का सम्मान किया है। बोलिए गोविंद भगवान की। भक्तों, भगवान श्याम सुंदर से पीलवान कहने लगा, कन्हैया ने कहा रास्ता से हट जाओ, हमें अंदर जाना है। पीलवान बोला, ऐसे थोड़े ही जाओगे, उसके बाद से युद्ध हुआ। कंस को मारने वाले तैयार हो जाए, भगवान श्याम सुंदर से और बलराम से शंख चाडूर नाम के पहलवान युद्ध करने लगे हैं। आज शंख और चाडूर पहलवान श्याम मार दिया। आगे बढ़े हैं तो कंस के केस पकड़ के भगवान ने गिरा लिया, मारो भैया कंस को मारने वाले, 1-2-3 के तम मारियो, इन बच्चों को हटाओ। भगवान कंस को पुरानी याद दिलवाने लगे, लेकिन कंस के सीना पर बैठे 2-3 मारो मारो
अरे ऐसे ना है, ऐसे ही मारो।